मनोहर लाल सूरज चढ़ने तक पुजारी के यहाँ ही टिका रहा। फिर उसने पुजारी से कहीं जाने की आज्ञा ली और शाम तक लौट आने का वादा करके बाहर आ गया। उसने कपड़े तो सादा से खद्दर के पहन रखे थे, लेकिन चेहरे मोहरे से कोई पहुंचा हुआ ज्ञानी ध्यानी किस्म का फिलोसोफर नजर आ रहा था। मंदिर से बाहर आकर उसने सिगरेट सुलगाया और किसी गहरी सोच में डूबा उसके लंबे लंबे कश लेता बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। करीबन एक घंटे बाद वो अबोहर के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कंपनी हेडक्वार्टर के सामने खड़ा था। इंक्वायरी पर उसने अपना नाम पता लिखवाया और एक कैप्टन से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। मकसद मुलाकात दरियाफ्त करने पर उसने क्लर्क को करीबन घूर कर देखा, उसी से पूछ लो। क्लर्क ने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों से निकलने वाली बर्की रौ ने क्लर्क को दोबारा उसके चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत न दी। वो सहम कर रह गया, आज तक उसने ऐसी आंखें नहीं देखी थी। उसने इंटरकॉम पर कैप्टन दुबे का नंबर मिलाया। जैसे ही उसके मुंह से मुलाकाती का नाम निकला, दूसरी तरफ से कैप्टन ने उसे डांट दिया, अभी तक वो बाहर ही खड़े हैं। वो इतनी जोर से चीखा कि क्लर्क की घिघी बंद गई। यस सर, मैं अभी भेज रहा हूँ सर, उसकी जबान लड़खड़ाई। शट अप, मैं जीप भेजता हूँ उन्हें लेने के लिए, कैप्टन ने फोन क्रेडल पर पटक दिया। मनोहर लाल जो क्लर्क के चेहरे पर बदलती कैफियतों से लुत्फंदोज हो रहा था, इस गुफ्तगू के खात्मे पर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मेरे ख्याल से तुम्हें मकसद मुलाकात का इल्म हो गया होगा। क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं यहाँ नया आया हूँ, उसने लाशौरी तौर पर हाथ भी बांध दिए। मनोहर लाल बगैर कोई जवाब दिए सामने से आती जीप की तरफ मुतवज्जे हो गया। जीप उसके नजदीक आकर रुकी। एक मुस्तैद नाइक ने ड्राइवर की सीट से उतरकर उसे देखते ही एड़ियां मिलाकर ताजीम दी, शायद वो उसका शिनासा था। फिर हाथ जोड़कर उसने मनोहर लाल को प्रणाम किया और बड़े मौद्दब लहजे में अगली सीट पर बैठने की दावत दी। मनोहर लाल उसके साथ बैठ गया। दो तीन मिनट जीप कंपनी हेडक्वार्टर की मुख्तलिफ रविशों पर दौड़ती रही। बिलाखिर एक मैदान के कोने में बने बैरक नुमा कमरे के सामने रुक गई। बैरक के दरवाजे पर कैप्टन दुबे बाहें फैलाए उसका मुंतजर था। कैप्टन दुबे ने उसे देखते ही नारा लगाया, अरे तुम कहाँ से टपक पड़े महाराज। मनोहर लाल ने हंसते हंसते उसकी पीठ पर धूल जमाई, बस जिंदा था आ गया। कैप्टन ने कहा, यार इतनी देर न लगाया करो, वरना किसी रोज हम मर जाएंगे श्रीमान जी। और कैप्टन दुबे उसकी कमर के गिर्द बाजू हायल करके उसे बड़ी बेतकल्लुफी से अंदर उसी बैरक में ले आया जहां उसका दफ्तर था। उसकी मेज के एक कोने पर बीएसएफ का मखसूस छोटा सा झंडा लहरा रहा था और सर पर गांधी की तस्वीर लटक रही थी। मेज के एक कोने में एक हवालदार हाथों में कागज पेंसिल थामे बैठा था। उन्हें उस तरफ आते देखकर वो मौद्दब होकर बैठ गया। तुम जाओ यार, जरा ठहर कर आ जाना, दुबे ने उसे हाथ के इशारे से जाने को कहा। बस हो गया भाषण शुरू, उसने मनोहर लाल की तरफ देखा और हवालदार को रुकने का इशारा किया। हवालदार के कुर्सी पर बैठते ही दुबे ने पुश बटन पर हाथ रख दिया। दूसरे ही लम्हे एक मौद्दब अर्दली उसके सामने खड़ा था। 10 मिनट बाद चाय और बिस्किट ले आना, उसने अर्दली की तरफ देखे बगैर कहा। मनोहर लाल उसकी मेज पर रखे एक अंग्रेजी अखबार की वर्क गर्दानी करने लगा। उसने दानिस्ता दुबे को काम मुकम्मल करने का मौका दिया था। हाँ कहाँ पहुँचे, दुबे ने हवालदार को मुखातिब किया, शायद वो उसे कुछ लिखवा रहा था। हवालदार ने मौद्दब लहजे में कहना शुरू किया, सर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। उसने दोबारा स्टार्ट किया, अच्छा आगे लिखो। यस सर, हवालदार का कलम तेजी से चलने लगा। पाक स्पाई के लिए 3 मुतबादिल नाकाबंदियां की गई। 2 मरतबा वो हाथों में आकर मकामी पुलिस और होम गार्ड्स की नाअहली की वजह से निकल गया। आर्मी इंटेलिजेंस की मिस सलोचना को उसने रेलवे लाइन के नजदीक डॉज किया है। मिस सलोचना ने जो शबाहत उसकी बताई है उससे स्पाई की पहचान मुश्किल है। 3 चेक पोस्टों की रिपोर्ट मुंसलिक है। मेरे ख्याल के मुताबिक वो इस इलाके से निकल चुका है, मजीद तहकीकात जारी है। उसने हवालदार को कहा कि टाइप करने के बाद फुला फुला ऑफिस को एक एक कॉपी डिस्पैच कर दें। अखबार की सतरों पर नजरें जमाए मनोहर लाल को इस रिपोर्ट के खात्मे पर गोया नई जिंदगी नसीब हुई थी। उसके लिए ये अम्र बायस इत्मीनान था कि पाक स्पाई अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। इस मुख्तसर गुफ्तगू से वो कम अज कम एक नतीजे पर तो पहुँचा था कि इस मरतबा भारतीय इंटेलिजेंस का सबका किसी आम एजेंट से नहीं बल्कि तरबियत याफ्ता और मुकम्मल पाक स्पाई से उन्हें पाला पड़ा है। हवालदार की रवानगी के बमुश्किल 2 मिनट बाद ही मौद्दब अर्दली चाय की ट्रे उठाए अंदर आ गया। दोनों इधर उधर की बातें करते रहे। ये मुलाकात शायद 1.5 माह के बाद हुई थी जिसे वो लोग खासी मुद्दत समझ रहे थे। दोनों के दरमियान इतनी बेतकल्लुफी थी कि दुबे के स्टाफ के अक्सर लोग भी मनोहर लाल को पहचानने लगे थे। क्या चक्कर है महाराज, कोई और जंग तो नहीं करवाने लगे। फिर पाकिस्तानी घुसबैठियों की खबरें आने लगी हैं अखबारों में। मनोहर लाल अब अपने मतलब की तरफ आ रहा था। अरे छोड़ो यार, अपने धंधे में तो ये सब कुछ
चलता ही रहता है, इधर कमाल उधर और उधर कमाल इधर। लेकिन यार इस मर्तबा तो हद हो गई। क्या? चाय की प्याली में चमचा हिलाते हुए मनोहर लाल बिल्कुल यूं उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ जैसे वाकई कोई अनहोनी बात हो गई। दुबे ने कहा, इस मर्तबा जो पाक सिपाही उधर से आया है, हमने उसे फांसने का मुकम्मल मंसूबा बना रखा है। अपना एक खास आदमी उसके साथ चिपकाया था, लेकिन कमाल कर दिया बच्चे ने। दुबे ने चाय का एक लंबा घूंट भरा। मनोहर लाल इस्तफहामिया नजरों से उसकी तरफ देखता रहा। उसने मुंह से कुछ न कहा। यार वो न सिर्फ खुद बचकर निकल गया, बल्कि जाते जाते उस डबल क्रॉस का जो हमने उसके साथ चिपकाया था उसका भी सफाया कर गया। मनोहर लाल ने उसका तमस्खर उड़ाया। और तुम लोग मुंह देखते रह गए? दुबे ने कहा, बस एक यही कमी है तुम में, जो हर वक्त शुद्ध भारतीय बनने के चक्कर में पड़े रहते हो। यार तुम उनको क्या समझते हो, कोई कम नहीं किसी बात में। अरे ये तो शुक्र करो कि हमारी जनसंख्या ज्यादा है उनसे, और खुफिया में लाखों हराम खोर गवर्नमेंट की कमाई पर पल रहे हैं। जो कभी भूल चूक से कोई एक आध पाकिस्तानी जासूस हमारे हाथ आ जाता है, वो भी हमारी कोशिश से नहीं, गर्दिश हालात की वजह से। अच्छा यार लानत भेजो, कोई और बात करो। वो उसकी सुनाओ, तुम्हारी शारदा का क्या हाल है? मनोहर लाल ने मतलूबा मकसद हासिल होने पर खुद ही गुफ्तगू का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। वो जरूरत से भी ज्यादा मोहतात एजेंट था, और शायद यही उसकी कामयाबी का राज भी था। दुबे की मेज से कुछ फासले पर उसके क्लर्कों की मेजें बिछी थीं, और वो भी नहीं चाहता था कि वहां से कोई उठकर अगर किसी काम से उस तरफ आए भी तो उसके कानों में उसकी गुफ्तगू की भिनक भी पड़ सके। दुबे ने खोखला कहकह लगाया, वो शारदा। इस मर्तबा मनोहर लाल के चौंकने की बारी थी। आज तक कैप्टन दुबे के लहजे में उसने ऐसी यासियत कभी नहीं देखी थी। वो पूछे बगैर न रह सका, क्यों, क्या हुआ? दुबे ने जज्बात से आरी लहजा अपनाया, भाग गई साली। मनोहर लाल हैरान था कि कैप्टन दुबे जैसा अय्याश हिंदू नौजवान भी कभी किसी फाहिशा से मोहब्बत कर सकता है। उसने तो शारदा को यूं ही उसके साथ चिमटा दिया था, लेकिन बात तो बहुत दूर निकल चुकी थी। अगर ये सब कुछ सच था तो मनोहर लाल के लिए ये नेचर गिफ्ट होता। उसने शारदा के मामले में दुबे को मुख्तलिफ बहानों से कुरेदा, और इस नतीजे पर पहुंचा कि वाकई भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज इंटेलिजेंस के कैप्टन दुबे को शारदा नामी इस फाहिशा से मोहब्बत हो गई थी, जिसे उसके अमृतसर में पोस्टिंग के दौरान मनोहर लाल ने एक मंसूबे के तहत दुबे से टकराया था। दोपहर का खाना दोनों ने इकट्ठे खाया। इस दौरान मनोहर लाल उससे खासी काम की बातें जान चुका था। दुबे ने उसके सामने अपना दिल खोल कर रख दिया था। ये उसका बहुत बड़ा अलमिया था। उसके बाप ने, जो बीएसएफ का बहुत बड़ा अफसर था, अपने बेटे को भी उसकी मर्जी के बिल्कुल खिलाफ यहाँ भर्ती करवाया था। दुबे बुनियादी तौर पर आर्टिस्ट था। वो आर्ट ही की दुनिया में बहुत आगे निकल जाने की हसरत दिल में लिए बैठा हुआ था। मनोहर लाल से उसकी दोस्ती की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसने दुबे के दिल में झांक कर उसके अंदर एक अरसे से मचलती आरजुओं का नोहा सुन लिया था, और हमेशा उसके अंदर बैठे आर्टिस्ट की हौसला अफजाई की थी। दोनों की मुलाकात भी अचानक ही हो गई थी। ये उन दिनों की बात थी जब कैलाश दुबे अभी एकेडमी से फारिग होकर आया ही था। उसने आर्मी में कमीशन लिया था। एक रोज एक क्लब में उससे मनोहर लाल टकरा गया था। उस दिन भी मनोहर लाल ने ऐसे ही सादे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उसकी आंखों और बातों में मौजूद मकनातीसियत ने गोया दुबे को जकड़ कर रख दिया था। फिर वो जहाँ भी गया, मनोहर लाल उससे मिलने को आता रहा। उसकी कोई बात कोई हरकत मनोहर से पोशीदा नहीं थी। आर्मी से वो कैप्टन होने के बाद अब डेपुटेशन पर जहाँ BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में आ गया था। उसकी पोस्टिंग अक्सर पंजाब ही के सरहदी इलाके में होती थी, इसलिए दोनों एक दूसरे से बड़ी आसानी से मिल जाया करते थे। मनोहर ने अभी तक बराह रास्त उससे कोई खास ताल्लुकात उस्तवार नहीं किए थे। उसने हिंदू नौजवानों की फितरी कमजोरी शराब और औरत ही के जरिए उसके मुँह से अक्सर मतलब की बात निकलवाई थी। शारदा भी मनोहर लाल की टकराई हुई एक ऐसी ही लड़की थी जिसे काम निकलने पर उसने हस्बे वादा पर्दा स्क्रीन से गायब कर दिया था, लेकिन उसे ये इल्म नहीं था कि कैप्टन दुबे शारदा के इतना करीब भी आ सकता है। सुपहर तक दोनों इकट्ठे रहे, फिर मनोहर लाल उससे हस्बे साबिक बहुत जल्दी दोबारा मिलने का वादा करके अलग हो गया। दुबे उसके नाना करने के बावजूद उसे अपनी जीप में बस स्टैंड तक छोड़ने आया था। बस से उतरते ही उसने एक मेडिकल स्टोर का रुख किया, और वहां से कुछ गोलियां खरीद कर उसने जेब में डाल ली। फिर शराब के ठेके से उसने घटिया सी देसी शराब की बोतल खरीदी, और बाजार के परली तरफ वाके कदरे उजाड़ जगह का रुख किया। एक गोशा आफियत में बैठकर उसने शराब की बोतल का ढक्कन खोला। अचानक उठने वाली बदबू के भभूके ने उसको चकरा कर ही तो रख दिया। अपनी नाक सुकेड़ते हुए उसने अपनी जेब से गोलियां निकाल कर बोतल में उंडेल दी। बोतल में कुछ बुलबुले पैदा हुए और उसमें मौजूद शराब की रंगत बदल गई। बोतल पर लगा लेबल भी उसने फाड़ कर अलग कर दिया, और उसका मुंह बंद करके उसे दोबारा नजदीकी खेत की नाली में मौजूद पानी से अच्छी तरह धो लिया, ताकि लेबल का नामो निशान तक बाकी न रहे। अपने थैले में बोतल डालने से पहले उसने बोतल को अच्छी तरह हिला जुला कर देख लिया था, कहीं बोतल के पैंदे में तो गोली नहीं बैठी हुई।
लेकिन तमाम गोलियां शराब में अच्छी तरह हल हो चुकी थी। आश्रम के दरवाजे पर ही उसका पुजारी काका जाने कितनी शिद्दत से उसका मुंतजर था। मनोहर लाल को आते देख कर वो बड़ी बेचैनी से आगे बढ़ा और बेइख्तियार उससे लिपट गया। उसकी घाग नजरों ने थैले के अंदर का भी शायद एक्सरे कर लिया था। मनोहर लाल ने भी कुछ कहे सुने बगैर थैला उसके हाथ में थमा दिया, खुद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। पुजारी पालतू कुत्ते की तरह उसके पीछे दुम हिलाता रहा था। कमरे में पहुंचकर वो बिस्तर पर लेट गया। पुजारी ने बोतल चूमते हुए कहा, भतीजे परमात्मा तुझे सुखी रखे, कितना ख्याल रखते हो अपने चाचा का। मनोहर लाल ने लेटे लेटे जवाब दिया, बस काका देख लो तुम्हारी खातिर कहां कहां की खाक छाननी पड़ती है। उधर अबोहर में मेरा एक दोस्त है इस धंधे में, उसी से लाया हूँ खास तौर से तुम्हारे लिए। याद करोगे काका अपने भतीजे को। पुजारी ने बेशर्मों की तरह दांत निकाल दिए। उसने बोतल को अपनी चारपाई के नीचे धरे एक ट्रंक में रख कर उसे दोबारा ताला लगा दिया और उसके गिरदा गिर्द लिपटी हुई लोहे की जंजीर को चारपाई से बांध कर बाहर आ गया। चंद मिनट बाद ही आश्रम का एक खिदमतगार उसके सरहाने पुरतकल्लुफ चाय की ट्रे लिए खड़ा था। मनोहर लाल उठकर चारपाई पर ही टांगे लटका कर बैठ रहा। खिदमतगार ने हस्ब हिदायत हाथ उसकी टांगे दबाने के लिए आगे बढ़ाए, लेकिन मनोहर लाल ने उसे डांट कर वहां से भगा दिया। शाम तक वो बेसुध सोता रहा। आज 3-4 रोज के बाद वो इत्मीनान की नींद सोया था। रात गए वो उठा तो पुजारी काका उसके दिए हुए 2 आतिशा से बाहर कोठे पर बैठा दिल बहला रहा था। मैले से कपड़ों में मलबूस एक दरमियानी उम्र की भक्त को उसने पहलू में बिठा रखा था। मनोहर लाल उसके नजदीक से गुजर कर चुपचाप आगे बढ़ गया। वो रसोई की तरफ जा रहा था। बस एक ही ऐब है तुम में भतीजे, विष्णु बने रहते हो। अगर शराब पीने लगो तो वाकई देवता बन जाओ, पुजारी ने उसके पीछे लड़खड़ाती आवाज में कहा। रसोई में आकर मनोहर लाल ने अपना खाना खुद तैयार किया और वहीं खाकर आश्रम से बाहर निकल आया। रात काफी देर तक वो एक तन्नूर नुमा होटल में बैठा चाय और सिगरेट से दिल बहलाता रहा, फिर आश्रम में वापस आ गया। पुजारी काका के नजदीक से गुजरते हुए उसने दानिस्ता अपने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था और अपनी कोठरी में आकर लेट रहा। सुबह उठकर उसने पुजारी काका से बमुश्किल जाने की इजाजत ली और भजन कथा खत्म होते ही भटिंडा जाने वाली बस में सवार हो गया। भटिंडा का वो गालिबन सबसे महंगा होटल था जहां उसने कयाम किया। एक मौद्दब वेट्रेस ने उसके कमरे तक उसकी रहनुमाई की थी। खान को ये बात पहले पहल तो बड़ी अजीब लगी, लेकिन उसे याद आ गया कि इंस्ट्रक्टर ने बताया था वहाँ किसी भी बेहजाई के मुजाहरे पर कतन एबनॉर्मल होने की जरूरत नहीं, ना ही खुद को उस माहौल से अलग रखने की कोशिश करना। उसने कमरे ही में एक कार्ड पुर करके वेटर्स की तरफ बढ़ा दिया, जिसने झुककर बजाहिर मौद्दब होने का मुजाहरा करते हुए अपने तमाम जिस्मानी खतूत नुमाया करके उससे शुक्रिया कहकर कार्ड दोबारा वसूल कर लिया था। दरवाजे पर रुककर उसने दोबारा इस अंदाज में झुककर उसे ताजीम दी और दरवाजा बंद करके बाहर निकल आई। दरवाजे के बाहर उसने कार्ड पर लिखे लफ्ज विष्णु पर मुस्कुराते हुए नजर ठहराई, फिर आगे निकल गई। खुद को विष्णु लिखकर बाहर हाल होटल वालों को इस बात का पाबंद कर दिया था कि वो उसे बगैर गोश्त के खानों का मेन्यू भी भेजा करें। ऐसे बड़े होटलों में विष्णु टाइप ग्राहकों की आमद होटल के अमले के लिए नेक शगुन नहीं होता था। वो लोग उमूमन उन ग्राहकों से मायूस ही रहा करते थे, क्योंकि वो लोग रिजर्व ही रहते थे और रिजर्व रहने वाले ग्राहकों से होटल के अमले को ज्यादा माशी तावुन की उम्मीद नहीं होती। शाम के बाद वो थोड़ी देर के लिए चहलकदमी को बाजार में निकल गया। उसने अपने जहन में जल्द ही होटल के गिरदा गिर्द मौजूद सड़कों और उधर आने वाले रास्तों के नाम महफूज कर लिए थे। शाम के बाद जब वो होटल वापस आया तो ये शहर उसके लिए अजनबी नहीं रहा था। उसे यहाँ के बेशतर गली मोहल्लों के नाम अजबर थे। अपनी आमद पर उसने होटल के डाइनिंग हॉल का रुख किया। उसने कोने वाली एक खाली मेज संभाल ली। हॉल में हल्का हल्का लेकिन बहुत ही बेहुदा म्यूजिक बज रहा था और इसी मुनासिबत से अंदर लोग मौजूद थे। चूंकि ये उस शहर का गालिबन सबसे महंगा होटल था, इसलिए यहाँ तमाम शहर के शुरफा उमड़ आए थे। आज यूं भी हफ्ते की शाम थी, जिसके लिए ये होटल खासी शोहरत रखता था। खाली मेजें पहले ही से रिजर्व हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद एक मौद्दब बैरा उसके सामने मेन्यू लिए खड़ा था। खान ने अपने लिए सब्जियों के सूप का ऑर्डर दिया और जैसे ही बैरे की रवानगी पर उसने नजरें उठाई, एक मरतबा तो उसका सारा जिस्म ही झनझना उठा। यूं तो इस हॉल में शायद ही किसी खातून ने अपना मुकम्मल जिस्म लिबास से ढांप रखा था, लेकिन जो हवाजादी उसके सर पर बराजमान थी, उसने तो जैसे
कपड़े कोई मकरूह शय समझकर जिस्म से चिपकाए थे। स्कर्ट और मामूली सी तंग चोली के साथ हाथ में पर्स हिलाती वो उसके सरहाने खड़ी थी। खान ने उसे आते हुए शायद नहीं देखा था। माफ कीजिए, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उसने खान की आंखों में बड़ी बेबाकी से झांका और फिर उसके जवाब का इंतजार किए बगैर उसके सामने बैठ गई। आपने बुरा तो नहीं माना? बैठते ही उसने दूसरा फिक्रा दागा। जी नहीं, आपके बैठने से कौन काफिर बुरा मान सकता है? वो संभल गया। अपने इंस्ट्रक्टर का वो जुमला अभी तक उसके लाशऊर में गूंज रहा था। कभी खुद को इस माहौल में एबनॉर्मल जाहिर न करना। अगर कहीं ज्यादा नेक नजर आने के चक्कर में पड़ गए तो मारे जाओगे। वहाँ ऐसी पाकिजगी का तसव्वुर भी नहीं पाया जाता जो हमारे नौजवानों के लिए जरूरी है। बहुत मुसीबत हो जाती है कभी कभी। ढंग का यही एक होटल है इस शहर में और यहाँ सुकून से बैठने को जगह मयसर नहीं। उसकी जबान फिर चल पड़ी। जी हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। खान और क्या कहता, आप शायद पहली मर्तबा आए हैं यहाँ? खान उसके सवाल पर चौंका फिर संभल गया। क्या शुभ नाम है आपका? वो अब मुकम्मल फॉर्म में आ चुका था और लड़की को संभलने का मौका देने के लिए तैयार नहीं था। ओह क्षमा कीजिए, ये तो मुझे पूछना चाहिए था। सुलक्षणा पाटिल। लड़की मुस्कुराई। खान ने कहा, मुझे अरुण कुमार कहते हैं। खान ने उसकी मुकम्मल हौसला अफजाई की। एक शादी के सिलसिले में आया हूँ और अजनबी हूँ। लड़की ने अपना हाथ बेख्तियार आगे बढ़ा दिया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। उसका हाथ थामते हुए खान ने भी बड़ी गर्मजोशी का मुजाहरा किया था। सुलक्षणा पाटिल बम्बई से यहाँ आई थी लेकिन वो यहाँ अक्सर आती रहती थी। उसकी माँ का करीबन सारा खानदान यहीं आबाद था। बाप की तमाम रिश्तेदारियां भी इसी शहर में थीं, लेकिन बिजनेस के सिलसिले में वो महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से सेट हो चुका था और अपने बच्चों को भी वहीं ले गया था। सुलक्षणा ने हाई स्कूल तक भटिंडा ही में तालीम हासिल की थी और उम्र का ज्यादा हिस्सा अपनी नानी के पास गुजारा था। अब भी जब कभी उसे मौका मिलता वो दाव लगा कर उससे मिलने आ जाती थी। अमीर लोग थे, दौलत की रेल पेल थी, हवाई जहाज से आना जाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। बैरे की आमद तक सुलक्षणा ने अपने तमाम जिस्मानी नशीबो फराज से खान को आगाही बहम पहुंचा दी थी और दोनों आपस में खासे फ्री हो चुके थे। यूं भी उस माशरे में दो पढ़े लिखे और फिर हुस्न इत्तेफाक से सोसाइटी की एक ही क्लास से ताल्लुक रखने वालों का आपस में घुल मिल जाना कोई अचंभे की बात नहीं थी। खान ने उसे बताया कि वो एक कारोबारी आदमी है और अभी तक जेरे तरबियत भी है। उसने सुलक्षणा के लिए कॉर्न सूप भी मंगवा लिया था और सूप की चुस्कियाँ लेते हुए दोनों एक दूसरे को चाट जाने वाली नजरों से देखते हुए मसरूफ गुफ्तगु हुए। मुझे कारोबारी लोगों से सख्त नफरत है लेकिन आप से न जाने क्यों मैं नफरत नहीं कर पा रही। शायद आप बाहर ही से कारोबारी हों, अंदर से इंसान। उसने खान की आंखों में मुस्कुराते हुए झांका। हाँ सुलक्षणा जी, सच कहा आपने, वाकई मैं बाहर से कारोबारी हूँ। खान की आवाज यकलख्त बदल गई, यूं जैसे वो दुखी हो गया हो। फिर उसने सुलक्षणा को वहीं एक दर्दनाक कहानी सुना दी कि वो तो असल में आर्टिस्ट बनना चाहता था लेकिन जालिम समाज ने उससे अपनी मर्जी से जिंदा रहने का हक उसके पिताजी के मरने के फौरन बाद छीन लिया। उसने अंदाजा लगा लिया था कि सुलक्षणा भी अपने बाप के तर्ज अमल से नाला है और यही वजह है कि वो लाख मॉडर्न होने के बावजूद अब भी मौका मिलते ही भाग कर यहाँ भटिंडा आ जाती है। उसकी इसी कमजोरी पर उसने जर्ब लगाई। पहली ही नजर में सुलक्षणा उसे आम सी हिंदू लड़की दिखाई दी और ये थी भी हकीकत। महज आध घंटे में ही सुलक्षणा उससे घुल मिल गई। दोनों डाइनिंग हॉल से उठकर कमरे में चले आए थे। खान ने बैरे को कमरे में कॉफी लाने की हिदायत की थी और दोनों अब कॉफी की प्यालियां सामने रखे एक दूसरे के दुख दर्द पर जान दे रहे थे। सुलक्षणा ने बड़ी बेबाकी से इस बात का इकरार कर लिया था कि वो भी आम हिंदू लड़कियों की तरह औरत की इस्मत को बेमानी चीज समझती है और रूहानी से ज्यादा जिस्मानी ताल्लुक पर यकीन रखती है। लेकिन उसने ये भी सच कहा था कि वो ये सब कुछ महज इसलिए कर रही थी कि ये अमल बहुत पहले से जारी है और उसे भी बहरहाल इसमें से गुजरना है। उसके माँ बाप उसके सामने शराब पीते थे। उन्होंने कॉलेज लाइफ के आगाज ही से अपनी बेटी को भी शराब के जायके से आशना कर दिया था और अब वो वक्त की बहुत सी लहरों में से एक लहर बनकर हालात के धारे पर बह रही थी। बातें करते हुए उसने अपने जिस्मानी खतूत की मुकम्मल नुमाइश का मिशन जारी रखा। ये अलग बात के खान का जहन कुछ और ही सोच रहा था। फिलवक्त उसे तमाम कार्ड्स हाथ में रखने थे इसलिए बादल नखास्ता वो इसमें जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी जाहिर करने पर मजबूर था। लेकिन जब बात हद से बढ़ गई तो उसने सुलक्षणा को नीचे चलने की दावत दी। सुलक्षणा के नाना करने के बावजूद वो बड़ी बेतकल्लुफी से उसका हाथ थाम कर उसे नीचे डाइनिंग हॉल में ले आया। हॉल में दाखिल होते ही बेख्तियार उसके अंदर से आवाज बुलंद हुई, आसमान से गिरा खजूर में अटका। वहाँ कैबरे नाच हो रहा था और शराब की बदबू के भभूके उठ रहे थे। बमुश्किल खान ने अपनी मतली को कंट्रोल किया। बिलाखिर ये अजियतनाक नाच खत्म हुआ और उसने खुदा का शुक्र अदा किया। जब सुलक्षणा और खान डाइनिंग हॉल में दाखिल हुए तो ऐन उन लम्हात में मनोहर लाल भी एक खूबसूरत लड़की का हाथ थामे डाइनिंग हॉल में दाखिल हो रहा था।
दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।